और अब खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। राजधानी में जल भराव को लेकर प्रदर्शन हुआ है रामपुरा रोड पर। यह प्रदर्शन चल रहा है दो सप्ताह से। जल भराव के बाद पानी की निकासी नहीं हुई है, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा है और लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट रहा है। जल भराव को लेकर प्रदर्शन हो रहा है रामपुरा रोड पर। इस वक्त लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आ रही है। बारिश की वजह से लगातार जल भराव की जो समस्या है वो बरकरार है और जल भराव को लेकर अब लोग इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं पानी की निकासी नहीं होने के चलते कि अब लोगों द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रामपुरा रोड पर ये प्रदर्शन चल रहा है। दो सप्ताह से ज्यादा हो चुके हैं और दो हफ्तों से ज्यादा में भी जल भराव की जो निकासी है, पानी की निकासी अब तक नहीं हुई है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान है। जब जल भराव की स्थिति सड़कों पर होती है तो कई बार हादसे हो जाते हैं, लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। सड़क में जो पूरी ट्रैफिक व्यवस्था होती है वो खराब होती है और ऐसे में जल भराव से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमारे सहयोगी सतवीर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतवीर, अभी फिलहाल क्या है ताजा तस्वीरें इस प्रदर्शन को लेकर? जी देखिए, जल भराव की जो समस्या है वो आम हो चुकी है, जिसके बाद में स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होने के कारण आज बड़ी संख्या में जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने जल भराव का विरोध यहाँ पर शुरू कर दिया है। और यहाँ पर सभी जो लोग हैं वो सत्याग्रह के तौर पर जो जल भराव हो रखा है उसी स्थान पर पानी के अंदर बैठ गए हैं और जो विरोध है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। जमकर यहाँ पर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार उनको जो प्रशासन है, जो अधिकारी है, उनको अवगत करा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो सुनवाई है वो नहीं होती और ये जो पानी है धीरे धीरे बढ़ता हुआ उनके घरों और दुकानों तक पहुंच जाता है। ऐसे में उन्होंने ये चेतावनी दी है कि आज उनका जो प्रदर्शन है वो उन्होंने शुरू कर दिया है और अगर इस समस्या से जल्दी निराकरण नहीं मिला तो आगे भी बड़ा आंदोलन करने में भी स्थानीय जो निवासियों पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल जो लोग हैं वो पानी के अंदर बैठकर जो सत्याग्रह है वो शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल सतवीर, जल भराव की समस्या लोगों के लिए अब कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और चूंकि बारिश का मौसम है और ऐसे में यही कहा जाता है कि मानसून से पहले अगर समय रहते नगर निगम तैयारियां कर ले तो जल भराव पे कुछ हद तक कंट्रोल हो, लेकिन प्रशासन अपने स्तर पर ढंग से कार्रवाई नहीं करता, तैयारियां नहीं करता, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं और इसीलिए लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट रहा है। देखिए, दावे हमेशा किए जाते हैं जब मानसून शुरू होता है या बारिश आने की वजह से पहले ही चेतावनी वो जारी हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रशासन की ओर से जो दावे हैं वो हर बार की तरह ही जो खोखले हैं वो एक बार साबित होते हैं। अभी मानसून शुरू हुआ है और लगातार बारिश का जो दौर है वो कई इलाकों के अंदर, जिलों के अंदर जारी है। ऐसे में जो जल भराव की स्थितियां हैं वो एक ही नहीं कई इलाकों के अंदर देखने को मिल रही है। इससे माना जा सकता है कि जो समुचित जो व्यवस्था होनी चाहिए निगम की ओर से वो समुचित व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पाती, जिसका ही नतीजा ऐसा है कि लोग इस जल भराव की समस्या। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया सतवीर। तो ये जो तस्वीर है जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं राजधानी जयपुर की है। आप सोचिए जब राजधानी में ये हालात है तो ग्रामीण अंचलों में और दूसरे संभागों में क्या हालात होते होंगे। जल भराव से लोग इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं कि इस वक्त रामपुरा रोड पर प्रदर्शन किया जा रहा है।